एडवोकेट वहाज बाबा के कांग्रेस ज्वाइनिंग के बाद एक और बड़ी ज्वाइनिंग एक बड़े प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ने कांग्रेस का हाथ थामा। इस बार हम बात कर रहे हैं जनाब यूनुस खान केटीएस की। प्रोमिनेंट बिजनेसमैन सोशल वर्कर यूनुस खान ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला किया। मकसद ये है कि माइनॉरिटीज के इशू को सॉल्व करना और लोगों के बीच रहना और उनके सारे मामलों को देखना। यूनुस खान केटीएस ने आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ऑफिस में ज्वाइनिंग की। इससे पहले एक बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की गई रिंग रोड से लेकर डीसीसी ऑफिस तक, जहां पर यूनुस खान के चाहने वालों ने एक बड़ी तादाद में स्ट्रेंथ दिखाई। यूनुस खान के केटीएस से आने से एक बहुत बड़ा तबका भी कांग्रेस में आ सकता है, ऐसी खबर आ रही है। यूनुस खान केटीएस ने इससे पहले भी कई सारे एस्पिरेंट से एक मीटिंग भी ली थी और कहा कि वो उन्हें इंडिपेंडेंटली सपोर्ट करेंगे अगर कोई पार्टी उन्हें सपोर्ट नहीं करती है। अब जब वो कांग्रेस में आ चुके हैं तो ये इक्वेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन सकता है। यूनुस खान के साथ साथ कई सारे कॉर्पोरेटर्स भी अब पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। डीसीसी ऑफिस में आज कई सारे दिग्गज चेहरे नजर आए, जिसमें शामिल थे केपीसीसी के प्रेसिडेंट ईश्वर खंड्रे, यूटी खादर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल, एमएलए मैडम कनीस फातिमा साहेबा। इस प्रोग्राम के अंदर आकिब अल हुसैनी साहब यहां पर मौजूद थे, जो यूनुस खान साहब के ख्वाहिश पर यहां पर मौजूद रहे और साहब ने यूनुस खान को मुबारकबाद भी दी। आए देते इस इवेंट के शॉर्ट हाईलाइट्स और आखिर में सुनते हैं कि यूनुस खान साहब ने क्यों कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। यूनुस खान साहब, लोगों में ये बात हुई थी कि आप जेडीएस ज्वाइन करने वाले हैं और जेडीएस को काफी हद तक आपने एक्सेप्ट भी किया था, तो ऐसी कौन सी बात हो गई आप जेडीएस छोड़कर वापस फिर से कांग्रेस में आ गए? जेडीएस को मैं ज्वाइन करने की जहाँ तक जो बात थी वो सही बात है। मैं जेडीएस ऑफिस पार्टी के ऑफिस तक भी जाके वापिस आ चुका हूँ कि मेरे शाबाद के पूरे तमाम बुजुर्ग और मेरे जो चाहने वाले थे मेरे घर पे आके मेरे बैठे थे, आप 5 मिनट के लिए वापस आओ ये बोले। उसलिए मेरे दोस्तों का भी बहुत बहुत इसमें यह है कि वो सेकुलर पार्टी को वो जुड़ के काम करिए, जहाँ पर मेजोरिटी है वहाँ पर खड़े हो, अकेले ठहर के क्यों दीवाने बनते बोले। ठीक है, सेकुलर पार्टी की अगर बात आई तो एमआईएम भी दावा करती है सेकुलर है, जेडीएस को तो डिफॉल्ट एस लगा हुआ है, ऐसा कांग्रेस भी सेकुलर है, तो ये कहाँ किस हद तक ये सेकुलर नजर नहीं आई आपको? एमआईएम में मैं ऑलरेडी सिटी प्रेसिडेंट रोल पर रहा हूँ, मेरे से बेहतर कोई नहीं जानते, सेकुलर एक आदमी भी मेरे साथ नहीं जुड़ा, मैं पावा भी पढ़ने पर बाकी था। तो अब आपको आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, आपको एक पोस्ट से नवाजा गया, तो इसको लेकर आप आवाम के लिए क्या आपकी थिंकिंग है, क्या आप यहाँ से स्टेप उठाएंगे? मेरे को आवाम को लेके यही थिंकिंग है कि जो भी नाराज़गी है कांग्रेस से नाराज़गी दूर करिए, जो भी अगर मेरे से आके बात करना है तो आइए, मेरे से जो कोशिश होती है नाराज़गी दूर करता हूँ। कांग्रेस के जो भी पुराने लीडर्स भी जो दूर दूर हो रहे हैं वो दूर मत ही है, कांग्रेस को साथ दीजिए और कांग्रेस को मजबूत कीजिए। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं, मैं उनको
कांग्रेस पार्टी की तरफ से वेलकम करता हूँ। और उनके साथ हजारों लोग आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, मैं सबका हमारे कांग्रेस पार्टी में उनका मैं वेलकम करता हूँ। हमारे हाँ यहाँ पे बहुत सारे हमारे बहने हैं और वो मोहम्मद हिंदुस्तान साहब के साथ आए हैं। मैं डॉक्टर शिव साहब का भी और बाबा राम साहब का और हमारे आठ के एम एल ए मैडम गणेश वर्तिमा जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। आखिर बाबा यहाँ कांग्रेस पार्टी के इस ऑफिस में वेलकम करता हूँ और बहुत बड़ा जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि जो आने वाले जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है वो 3 तारीख को, उसमें हम सबको मिलके काम करना है और घर पे काम करना है और परस्पर जीतने की थोड़ी उम्मीद है और कोशिश भी आप लोगों को करना चाहिए। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है, हम उम्मीद करते हैं कि सारा ग्रुप आपके साथ है, हम सब मिलकर कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, कांग्रेस की जीत होगी इंशाल्लाह ताला। आने वाले जो इलेक्शंस है 3 सितंबर को जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस है उसमें हम सब मिलजुल कर हिस्सा लेंगे और आगे बढ़ के काम करेंगे, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। कांग्रेस पार्टी का मेयर आएगा, मैं आप तमाम से उम्मीद रखती हूँ कि आप तमाम जुड़कर हमारे साथ काम करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे। हम इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेती हूँ, शुक्रिया। आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, आज खास करके यहाँ के एक बहुत ही प्रमुख नेता कलबुर्गी महानगर पालिका के श्री यूनुस खान और उनके साथ हजारों लोग उनके जो समर्थक हैं सभी लोग मिलके आज कोई भी कंडीशन के बगैर उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का जो तय किया है, इसलिए मैं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्याध्यक्ष के नाते मैं प्रदेश कांग्रेस समिति से सभी हमारे नेताओं की तरफ से कलबुर्गी जिला कांग्रेस की तरफ से यूनुस खान को और उनके सभी समर्थकों को कांग्रेस पार्टी में शामिल भी कर लेते हैं और उनको बधाई देता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही बड़ा इतिहास है, एक संस्कृति है, एक परंपरा है। इस देश को आजादी दिलाने वाला पार्टी कांग्रेस पार्टी है, याद दिलाना चाहिए। हर जाति, हर भाषा, हर धर्म के लोगों को अपने साथ में लेके जाने वाले अगर कोई पार्टी पूरे देश में है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है। आज हमारा और फिरका परस बीजेपी का बराबर के जो है ना लड़ाई है, दूसरी पार्टी कोई मायने में नहीं रखती, चाहे वो JDS होने दो, MIM होने दो, SDPI होने दो या कोई दूसरी पार्टी होने दो। आज पूरे देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई पार्टी जिंदा है, अगर कोई पार्टी गरीबों के लिए, मुस्लिमों के लिए, दलितों के लिए, शोषित लोगों के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए अगर कोई कार्यक्रम दिए, कोई उनका भला करे, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है, कोई पार्टी नहीं किया। अब तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो मैं समझता हूँ कि 55 के 55 सीट हम जीत सकते हैं। यूनुस खान साहब को और उनके सभी जो ना साथियों को मेरे तरफ से स्वागत करते हुए, मेरे साथ माजी मंत्री हमारे खादर जी भी आए हैं, खादर भी एक दो बात करेंगे आपसे, तो इतने बात करके मेरा दो शब्द साथ करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತತ್ವ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಯೂನುಸ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವರ ಮಿತ್ರ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಯೂನುಸ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರೊತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ।
इसलिए हर घर में, हर मोहल्ला में, हर प्रदेश में ये सोचना है, ये डिस्कस करना है, और सिर्फ कांग्रेस ही इधर आना है और सबको है उनका एक प्रतिफल और उपयोग मिलने के, जैसे एक अच्छा कॉरपोरेशन में गुलबर्गा में होना है, बहुत अच्छा नेशनल लीडर, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स आपका साथ है, कारगिल जी है और यंगर जनरेशन बहुत अच्छा का टीम है, अजय है, मलय प्रियंक है, शन पटेल है, गुत्तेदार है, आलम प्रभु है, वो सभी कनीसा फातिमा जी है और सभी अच्छे अच्छे लीडर्स, अभी अमर अच्छे लीडर के और अच्छा एक लीडर भी जुड़ गए हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVN University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Smart Super Bazaar.